नमस्कार, खेलते रहो में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रुचि। एशिया कप में आज की जंग जरा खास है। दिल थामे फैंस कर रहे हैं इंतजार उस मुकाबले का, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान होते हैं मैदान पर तो पलके भी कर देती हैं झपकने से इनकार। टूर्नामेंट में भारत खेल चुका है दो मुकाबले, पहले में मिली जीत तो दूसरे में काफी करीब आकर भी खाली रह गए हाथ। और आज है करो या मरो की बारी। क्या भारत लंका के हाथों मिली हार को भुलाकर पाकिस्तान को दे पाएगा पटकनी? जानेंगे अपने दो क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो हमारे शो में मौजूद हैं, रोहित जालानी और आलोक भारद्वाज से। तो शुरू करते हैं आज की खास पेशकश महामुकाबला। साथ शो में रोहित जालानी और अशोक भारद्वाज दोनों बने हुए हैं। पहला सवाल मेरा रोहित आपसे, पाकिस्तान की गेंदबाजी बेहद खतरनाक है और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करनी है, ओपनर्स फॉर्म में नहीं हैं। देखिए, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि हमारे बैट्समैन जिस तरह स्टार्ट किया है पिछले मैच में, अच्छा स्टार्ट था। धवन ने 94 करके अपनी रिदम वापस एक लय हासिल कर ली है। ओनली प्रॉब्लम है कि रोहित को स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो माइट भी बड़ा मैच है, रोहित बड़े प्लेयर हैं, स्टार्ट अच्छे हो सकती है। तो यदि आज अच्छा स्टार्ट मिलता है, दोनों ओपनर्स अच्छा लंबा खेलते हैं, मैं वही बात बोलूँगा, टॉप थ्री बैट्समैन में से एक को लास्ट तक खेलना पड़ेगा लंबे स्कोर के लिए। जिताना है तो टॉप थ्री प्लेयर्स वन हैव टू बी स्टैंड टिल लास्ट ओवर। विराट पहली बार जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है कप्तानी कर रहे हैं, ऐसे में विराट के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आज के इस मैच में। तो उनके ऊपर जैसे अगर पिछले एशिया कप की बात करें तो 183 रन की यादगार पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, आज किस ढंग से उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए? देखिए, विराट जिस फॉर्म में चल रहे हैं, मैंने पहले ही बोला कि वो ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छी फॉर्म को हरदम कन्वर्ट करते हैं। पिछले दो मैचों में उन्होंने अपनी स्टार्ट अच्छी कन्वर्ट की है और जो बेस्ट पार्ट है उनका है कि वो अपना रिदम बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, वो उसको फॉलो करते हैं उस चीज़ को, जो एक पैटर्न है उनका उसको अच्छा फॉलो कर रहे हैं और बड़े मैच के प्लेयर हैं, हरदम प्रेशर में उन्होंने परफॉर्म किया है, कप्तानी में प्रूव किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है और जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, विराट पे कोई प्रेशर नहीं है, वो फिर अपने आप को अच्छा प्रूव करेंगे। आलोक, भारत और पाकिस्तान दोनों जब मैदान पर होते हैं तो दोनों टीम से ज़्यादा जो है खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है जीत का, क्योंकि हार किसी भी टीम को बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे में बहुत हाई वोल्टेज मुकाबला हो सकता है आज मैदान पर। बिल्कुल बहुत हाई वोल्टेज मुकाबला हो सकता है, पर चांसेस भारत के बहुत ज़्यादा हैं। भारत की बैटिंग बहुत अच्छी है, पीछे से करते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से रन कर रहे हैं, काफ़ी रन कर रहे हैं। थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है बॉलिंग, अगर हमने बॉलिंग अच्छी करी तो हम निकल जाएंगे। कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर भी आलोक जो है वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ हमको दिखाई दे रहा है कि अगर चलिए स्टार्ट अच्छी हमको नहीं मिल रही है या ऊपर से एक ओपनिंग जोड़ी जो है उसमें से एक अगर प्लेयर अच्छा खेल रहा है, लेकिन विराट अगर बहुत जल्दी आउट होते हैं तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर में एक लंबा स्कोर ना कर पाने की जो दिक्कत है वो बार बार सामने आ रही है। उसका एक कारण है कि ऊपर के बैट्समैन इतना ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं, काफ़ी टाइम से लंबा खेल रहे हैं, नीचे के बैट्समैनों को पूरा चांस भी नहीं मिल रहा और पूरा वो आइडिया नहीं है, थोड़ा सा तरीका उनका थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन प्लेइंग 11 में अभी हमने जैसे देखा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर शामिल हैं जिन्हें एशिया पिचों पर खेलने का जो है अनुभव है, तो ऐसे में क्यों इतनी जो है टीम इंडिया के प्लेयर्स को परेशानी आ रही है? थोड़ा सा एक टाइम का है, थोड़ा जो प्लेयर टाइम ले लेगा वहाँ पर खेल लेगा वो पूरा खेलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, खेलेंगे अपने प्लेयर अच्छा खेलेंगे। देखिए, मैं मानता हूँ कि इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है बिल्कुल नया मिडिल ऑर्डर है, अभी अजिंक्य रहाणे, एमआईटी रायडू, ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो अपना स्थान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जैसा उन्हें मौका मिल रहा है अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। रहाणे ने 74 की इनिंग खेली है, एमआईटी रायडू भी अच्छे निक में लग रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है के लिए। और निश्चित तौर पर आज तो रोहित खेलना ही होगा कैसे भी करके। बिल्कुल। पाकिस्तान की गेंदबाजी की अगर बात करें तो पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत शानदार है। सबसे पहले बात करते हैं हम उमर गुल की, तेज गेंदबाज, पिछले एशिया कप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे और आज गुल बेकरार हैं टीम इंडिया की बत्ती गुल करने के लिए। नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस समय एशिया की सारी टीमों में बेस्ट है। उनका बड़ा बैलेंस अटैक है, मीडियम पेसर्स बड़े अच्छे हैं उनके स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, अफरीदी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हफीज बड़ा अच्छा जो ऑलराउंडर्स वाला रोल है वो बड़ा अच्छा प्ले करते हैं। तो अनडाउटली बॉलिंग पाकिस्तान की बेस्ट है, लेकिन स्टिल आई फील इंडिया बैटिंग जो है वो बेस्ट है इस समय। यदि हम लोग अच्छा स्टार्ट देते हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी होती है, तो हम उनके बॉलिंग का बराबर जवाब दे सकते हैं।
रोहित, शाहिद अफरीदी स्पिन की जो है वो एक और तिकड़ी का तीसरे प्लेयर हैं शाहिद अफरीदी। भले ही अभी तक उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया हो, लेकिन पता नहीं सामने अगर भारत दिखता है तो उनका खेल अपने आप में दोगुना हो जाता है। देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं ओनली अफरीदी नहीं, मैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों का बोलता हूँ। दोनों टीमों में एक अलग ही माहौल होता है जब मैच होता है, इवन किसी भी लेवल पे, अंडर 19 पे लें आप, इंडिया पाकिस्तान मैच अलग ही प्लेटफॉर्म सेटअप हो जाता है। और इस मैच का यह है कि प्लेयर्स अपने आप को बड़ा मोटिवेटेड मानते हैं, बड़े अच्छा फोकस होता है प्लेयर्स का। विराट हो गया, ये ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े मैच के प्लेयर हैं, रोहित शर्मा है, धवन है, इवन अजिंक्य रहाणे ने जो अपना वो किया, मुझे लगता है कि इन लोगों को इस मैच में अपने आप को बहुत मजबूती से पेश करना पड़ेगा। बड़ा मैच है, जो क्रूशल टाइम पे अपने आप को नर्व्स कंट्रोल करेगा अपनी, वो इस मैच में नॉट ले जाएगा, क्योंकि बड़े मैच में जो प्लेयर अपने आप को नर्व्स कंट्रोल कर पाएगा वही बड़े गेम का प्लेयर है। रोहित और आलोक, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल अपर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी महामुकाबले पर चर्चा जारी रहेगी। आलोक और रोहित, हमने आपसे कई सारे सवाल पूछे और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की कमजोरी, और उसकी कमजोरी है बल्लेबाजी, और इसी का फायदा आज भारत को हर हाल में उठाना होगा। रोहित, बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की बैटिंग जो है लाइनअप, अभी बिल्कुल नया लाइनअप है, उनके भी यंग प्लेयर्स हैं, और बैटिंग जो उनका माइनस पॉइंट है, उनकी अनप्रिडिक्टेबल बैटिंग है उनकी। उनके बैट्समैन जैसे हम पुराने दो मैच देखे हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए खराब शॉट में आउट हुए हैं। तो जो वर्स्ट पार्ट है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का, वो अनप्रेडिक्टेबल और अनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट प्लेयर्स नहीं है उनके। मेन एक दो प्लेयर पे उनका पूरा लाइनअप चलता है, मिसबाउल हो गए या हाफिज़ हो गए, ये अच्छा करते हैं तो टीम अच्छी चलती है। उमर ने लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन वो भी ऐसे प्लेयर हैं जो चांस देते हैं। तो यदि भारत अच्छा रन बनाता है, इनिशियली विकेट निकालता है, जो क्रुशल पार्ट है, नई बॉल से हमें विकेट निकालने पड़ेंगे पाकिस्तान को प्रेशर में डालने के लिए। हम उस करने में सफल रहे तो बिल्कुल हम पाकिस्तान को हराने में सक्षम होंगे। आलोक, आपका क्या कहना है पाकिस्तान की कमजोर बल्लेबाजी? बिल्कुल, मैं रोहित भैया की बात से सहमत हूँ। पाकिस्तान की बैटिंग में मिसबा, हाफिज़, ये दो बैट्समैन हैं कि आप इन पे बिल्कुल थोड़ा अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी भी सेट हो जाए तो ये अपना विकेट जल्दी से नहीं देते। बाकी शाहिद अफरीदी हो गए, उमर अकमल हो गए, ये कभी भी आउट हो सकते हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा चांस लेते हैं कि पता पड़ा 5 ओवर में उन्होंने 60 रन बना दिया, पता पड़ा है ना ये एक साथ ना एक ही ओवर में 2 जने एक साथ लग गए, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन इनकी बैटिंग थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। रोहित, आज पाकिस्तान का सबसे बड़े टारगेट पर अगर कोई होगा तो विराट कोहली ही होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म में वही हैं। बिल्कुल, अभी उनको मालूम है कि इंडिया का पूरा लाइनअप, बैटिंग लाइनअप विराट के ऊपर ही डिपेंड है, तो वो जरूर विराट पे अटैक करेंगे। विराट जो है, इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं, लेकिन धोनी, मिसबाउल हक ने जब इस टूर्नामेंट से पहले जिक्र हुआ था कि धोनी अनफिट होने के चलते एशिया कप से बाहर हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि धोनी के ना रहने से एक मेंटली जो है उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस हुआ है। आलोक, धोनी का ना रहना या उनको मिस कितना करेगी आज टीम इंडिया और पाकिस्तान? बहुत ज़्यादा करेगी, बड़ा मैच है, विराट नए कप्तान है, धोनी और विराट में बहुत अंतर है, शांत रहते हैं धोनी, विराट थोड़े एक्साइटेड हैं, वो बहुत बड़ा रहेगा, रोल रहेगा, बहुत बड़ा रोल रहेगा। धोनी ना पूरी टीम को साथ लेके चलते हैं, विराट नए हैं, बिल्कुल नए हैं, अटैक कर लेते हैं, वो युवा हैं, धोनी थोड़ा एक्सपीरियंस, हर तरह से एक्सपीरियंस होल्डर है। अगर अपनी गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी दोनों ने अच्छा किया था, लेकिन स्लॉग ओवर्स में गेंदबाजी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने पिछले 2 मैचों में देखी, वो सॉल्व होती हुई रोहित कहीं से नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, शमी एक्सपेंसिव रहे हैं, लेकिन उनमें जो काबिलियत है वो विकेट लेने की है। जो उनका ब्लैस पॉइंट है कि वो अटैक करते हैं और विकेट लेने जाते हैं, तो यदि नई बॉल से हम विकेट लेते हैं और शमी जिस हिसाब से पुरानी बॉल से बॉल डाल रहे हैं, और जो थर्ड फैक्टर मैं बोलूँगा, हमने लास्ट मैच में देखा कि स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही थी, यदि वैसा ही रहता है ड्यू फैक्टर, थोड़ा यदि हम कवर अप कर लेते हैं, बॉल को सही हैंडल करते हैं और स्पिनर्स यदि हमारा अच्छा बॉल डालते हैं, तो टीम इंडिया के लिए बड़ा क्रुशियल स्पॉट होगा वो। रोहित, आपने ड्यू फैक्टर की बात करी, पिछले मैच में भी यही हुआ था कि जब टीम इंडिया को बाद में गेंदबाजी टॉस हार के करनी पड़ी थी तो वहाँ पे गेंदबाजी करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि विराट को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ओस उतनी ज़्यादा होगी, और यही प्लस पॉइंट जो था वो लंका की जीत का कारण बना था। आलोक, अगर उतनी ही ज़्यादा ओस आज भी गिरती है मीरपुर में तो गेंदबाजी करने में निश्चित तौर पर टीम इंडिया को आज बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बॉलिंग तो बड़ा बहुत बड़ा वो है अभी इंडिया का चल रहा है मामला, कि ना जो बॉलिंग चाह रहे हैं हम वो कर नहीं पा रहे हैं काफ़ी टाइम से, अभी ऊपर से ड्यू और नई चीज़ है, एक ये ड्यू फैक्टर पड़ता है, अगर ज़्यादा गिरेगी तो और थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा ये।
रोहित आर अश्विन और जडेजा, ये दो की जो जोड़ी है ये आज ऐसी कौन सा स्पिन अटैक जो है पाकिस्तान के खिलाफ अपनाना होगा? देखिए सेकेंड इनिंग में हमने जो लास्ट मैच में देखा स्पिनर्स को अच्छी हेल्प मिली है, दोनों ने बड़ा अच्छा यूज़ किया उस हेल्प का, विकेट से परचेज मिला था तो उन्होंने विकेट निकाले हैं जो बड़ा अच्छा पार्ट था। लास्ट मैच में मैं जो मैंने अपनी बात हुई थी मैंने बोला था कि कैचेस बहुत क्रुशियल रोल प्ले करेंगे और वही हुआ, क्रुशियल टाइम पे हम लोगों ने कैचेस ड्रॉप करे जिसका खामियाजा हमें मैच को हार कर मिला। सेम चीज़ है कि बॉलर्स हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें बॉलर्स को हमें रन रोकने पड़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम अभी ले कर रहे हैं इंडिया टीम जो ले कर रही है वो है कैचेस। बिना कैच पकड़े हम लोग जीत नहीं सकते, हमें बॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, विकेट गिरेगा तो ही टीम प्रेशर में आएगी, रन रोकने के लिए विकेट गिराने ही ज़रूरी हैं। आलोक एक और बात, लंका से हारने के बाद जो बयान आया उस विराट ने वो कहा कि जो सर्कल के अंदर पांच प्लेयर्स का जो रूल है उसकी वजह से उन्हें गेंदबाजी और फील्डिंग सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही है, या वो जिस हिसाब से फील्ड सेट कर रहे हैं गेंदबाज उस लाइन और लेंथ में बॉल नहीं डाल रहे हैं, ये कितना बड़ा जो आज के मैच में जो है रोल अदा कर सकता है? ये इसका रहेगा, पर ये दोनों टीमों के लिए बराबर ही है क्योंकि रूल है। दूसरा क्या, इसके लिए अभी ये नया रूल है तो टीमें भी इसके लिए हैबिचुअल नहीं है, ऊपर से हमारे कप्तान भी अभी नए हैं, फिर काफ़ी फर्क पड़ रहा है इसका थोड़ा सा, पर थोड़ा थोड़ा हैबिचुअल हो जाएंगे सब लोग। रोहित आज का जो पहला स्पेल है वो भुवनेश्वर कुमार से ही विराट का कराएंगे? बिल्कुल, नया बॉल से भुवनेश में कैपेबिलिटी है विकेट लेने की, समय अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, भुवनेश नई बॉल का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, बस इनसे उम्मीद ये है कि नई बॉल से यदि वो विकेट निकालते हैं तो टीम इंडिया के लिए उतना ही पॉजिटिव होगा, ये नई बॉल से विकेट निकालना बहुत ज़रूरी है। आलोक आज कितना टारगेट दिया पाकिस्तान को इंडिया को देना चाहिए? इंडिया 300 बनाएगी। 300 बिल्कुल उम्मीद करता हूँ, 300 विल बी अ गुड टारगेट, इतना इंडिया को बनाना चाहिए और डिपेंड करता है ओपन पार्टनरशिप पे काफ़ी कुछ। मतलब एक महामुकाबले की जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो हमें महामुकाबला जो है यहाँ पे देखने को मिल सकता है। धवन के यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि दो एक ऐसे प्लेयर हैं विराट के अलावा जो अच्छी फॉर्म में हैं, आउट ऑफ फॉर्म थे इससे पहले न्यूजीलैंड में, उसके बाद लास्ट टेस्ट से वो धीरे धीरे फॉर्म में आए हैं, और धवन जो है उनकी आप क्या कमजोरी मानते हैं? मतलब जैसे वो पिछले दो मैचेस में आउट हुए थे, शतक से चूक गए थे, हालांकि थोड़े से निराश वहां पे ज़रूर थे, लेकिन आज उनकी जो गलतियां हैं क्या आपको ऐसा पॉइंट लगता है कि धवन को आज उन गेंदों को सोच समझ के शॉट्स खेलने होंगे? देखिए धवन विद द टाइम काफ़ी मैच्योर प्लेयर हो गए हैं, उनकी एक प्लस पॉइंट है स्टार्ट मिलने का तो वो कन्वर्ट कर रहे हैं अब, तो यदि अच्छा स्टार्ट मिलता है कन्वर्ट करते हैं, उसके इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कोई पर्टिकुलर मिस्टेक पे आउट हो रहे हैं, वो लास्ट मैच में भी एक शायद गलत शॉट बन बोल सकते हैं उस पर आउट हुए हैं, और यदि उम्मीद यही है कि अच्छा स्टार्ट मिले तो उसे कन्वर्ट करें, टीम के लिए बहुत ज़रूरी है वो बिग मैच। आलोक धवन जो है स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, लेकिन सईद अजमल ने अभी इस मैच से पहले कहा था कि धवन भी उनके टारगेट पर रहेंगे, तो सईद अजमल को खेलने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे धवन को? ऐसा कुछ नहीं है, धवन का ये है कि अगर वो खेलेंगे बस उनको थोड़ा सा शांत रहते हैं और लंबा जितना लंबा खेल जाएंगे उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अजमल बॉलिंग करें या अफरीदी करें, ऐसा कुछ नहीं है, बस उनको लंबा खेलना है, बस जैसा विकेट पर रहना है, विकेट पर रहेंगे वो सब कुछ कर देंगे वो। आलोक इससे पहले जो रोहित ने फील्डिंग की बात की थी अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वहाँ पे फील्डिंग बहुत अच्छी की थी पाकिस्तान ने, तो आज के इस मैच में भारत के खिलाफ जो है पाकिस्तान की फील्डिंग भी एक बहुत अहम रोल प्ले कर सकती? फील्डिंग तो मेन क्रिकेट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो टीम अच्छा फील्डिंग करेगी वो बॉलर को मदद कर देते हैं उसे, तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। और वैसे भी आलोक कहा भी जाता है कैचेस विन द मैचेस, अगर आज फील्डिंग अच्छी नहीं करते हैं कैच नहीं पकड़ते हैं तो ये मैच उनके हाथ से छूट जाएगा, और अगर मैच छूटा तो वापस घर लौटना पड़ सकता है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि करो या मरो का मुकाबला है, जो भी टीम आज जीतेगी वो टूर्नामेंट में आगे की राह उसकी आसान होगी, वो आगे जाएगी। आलोक और रोहित आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।